हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में दो वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कवर किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और जो नेक्स्ट हमारे 50 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे 101, इसमें आ जाएगा इनमें से कौन सी सामुदायिक संगठनकर्ता की समसामयिक की भूमिका नहीं है। तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विशेषज्ञ, उत्प्रेरक, अन्वेषक, इनोवेटर और शिक्षक। ये सभी सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका है और विशेषज्ञ ये इसकी भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 आ जाएगा, निम्नांकित में से कौन सी संबलदाता एनाप्लर की भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, संगठन को उम्मीद दिलाने वाला और अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को पोषण देने वाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 आएगा, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सी सामुदायिक संगठन में विशेषज्ञ की भूमिका नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, समस्याओं को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नांकित में से कौन सा कथन संप्रेषक के संबंध में सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, विषय का संपूर्ण यानी पूरा ज्ञान होना, संचार माध्यमों का ज्ञान होना और संचार कौशल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नांकित में से कौन सी सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उद्यमिता विकास, मध्यस्थ, फैसिलिटेटर, सुविधा देने वाला, उपचारक, ही सभी इसकी भूमिका होती है सामुदायिक संगठनकर्ता की, और उद्यमिता का विकास करना ये इसकी भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नांकित में से सही उत्तर चुनिए। 106 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990। ये यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी सभी गलत ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आ जाएगा आपका, आपका 106 का ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका राइट, और ये सब इसमें गलत इसके मैच दिए गए हैं। तो 107 देखेंगे, नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी विशिष्ट परिस्थिति या परिस्थितियों में प्रभावी होने के कारण स्वतः ही चुन लिया जाता है। नेतृत्व की यह परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा दी है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओपी दाहमा ने। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नांकित में से कौन नेता के प्रकार के संबंध में सही है। तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी यानी अनौपचारिक नेता, प्रगतिशील नेता, चयनित नेता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, एक सफल नेता में सत्यनिष्ठा, विश्वास, योजना बनाने की योग्यता तथा पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, यह कथन किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर एच ई राम सरोवर। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नांकित में से कौन सा एक नेता के कार्य के संबंध में सही नहीं है। तो 110 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, समूह का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 111, एक नेता के गुणों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है। तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी यानी सामाजिक अंतर्दृष्टि, लोगों का स्नेही और शुभचिंतक, प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 112, नेतृत्व के लिए सत्ता का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, निर्देश शक्ति। क्वेश्चन नंबर 113 आ जाएगा, निम्नांकित में से कौन अभिग्रहणकर्ता की श्रेणियां नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी विलंब, बहुसंख्यक, स्थिर, निष्क्रिय, अस्वीकारकर्ता, सक्रिय, अस्वीकारकर्ता, ये सभी अभिग्रहणकर्ता की श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आ जाएगा, निम्नांकित में से कौन सा अभिग्रहण का अंतिम चरण है। तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वीकृति अभिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नांकित का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट का आपका आ जाएगा सी, जागरूकता, नवाचार के बारे में पहली बार सुनना, और सेकेंड का आपका आ जाएगा डी, मूल्यांकन, प्रयोग करते समय लाभ तथा हानियों को तोलना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, और अभिग्रहण का आ जाएगा थर्ड का ए, पुराने विधियों की तुलना में नवाचार को वृत्त स्तर पर अपनाना, रुचि का आएगा फोर्थ का आ जाएगा बी, रुचि, इसके बारे में आगे की सूचनाएँ तलाशना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, प्रशिक्षण के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। 116 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है। सिर्फ प्रेरणा एक अच्छे प्रशिक्षण का आधार है, और सेकेंड है, सिर्फ एक अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रभावशाली अधिगम अनुभव की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नांकित में से सही विकल्प को चुनिए। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों राइट है इसके। अनुभव की एक क्रमवार प्रक्रिया जो लोगों को उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों को और भी अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होती है, मूल्यांकन है, और मूल्यांकन वैज्ञानिक सोच जैसा नहीं है। तो इसके दोनों ही आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 118, मूल्यांकन का पहला चरण है। 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये मूल्यांकन का पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 119, प्रतिपुष्टि के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है।
119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी प्रतिपुष्टि स्रोत उन्मुख होती है, प्रतिपुष्टि संचार की विश्वसनीयता निष्ठा को प्रभावित करती है और प्रतिपुष्टि संचारक को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सी आज़ादी स्वतंत्रता पश्चात की गतिविधियाँ नहीं है। 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नीलो खेड़ी विकास योजना, ये स्वतंत्रता यानी आज़ादी के पश्चात की गतिविधि नहीं है। भारतीय ग्रामीण सेवा, मार्थिंडम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, ये सभी आज़ादी स्वतंत्रता के पश्चात की गतिविधियाँ हैं और आपको इनकी डेट भी याद रखनी है, ये कब कब स्टार्ट की गई थी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न को मिलाइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट का आ जाएगा सी, इटावा पायलट परियोजना, तो ये आएगी महवा ग्राम उत्तर प्रदेश। आदर्श सेवा संघ पोहरी, सेकेंड का हो जाएगा ए, ग्वालियर एमपी। फिरका विकास योजना, थर्ड का आ जाएगा डी, मद्रास राज्य सरकार। और गुड़गांव परियोजना, इसका आ जाएगा फोर्थ का आ जाएगा बी, मिस्टर एफ एल ब्रेयन, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122, शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस वर्ष में की गई थी। 122 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय 4H क्लब में H का अर्थ क्या है। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, H का अर्थ है सिर, हृदय, हाथ तथा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, भूमि सुधार ऋण अधिनियम इस वर्ष में बना था। 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1888 में। क्वेश्चन नंबर 125, समन्वित कृषि जिला कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के 7 चयनित जिलों में निम्न में से इस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो 125 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षा है, शिक्षा क्या है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 127, एक व्यक्ति सीखता है, 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तो उपरोक्त सभी से यानी औपचारिक शिक्षा से, गैर औपचारिक शिक्षा से और अनौपचारिक शिक्षा से, सभी से व्यक्ति सीखता है। क्वेश्चन नंबर 128, सेवा ग्राम का शुभारंभ निम्न में से किन के निर्देशन में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 का ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में निम्न वर्ष में किया गया था। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से कंप्लीट हो चुका है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया था, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1873 में। तो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सांस्कृतिक पिछड़ापन अंतराल होता है। 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जब तकनीकी तथा भौतिकी पदार्थों का परिवर्तन अभौतिक जैसे सामाजिक मूल्यों, अभिवृत्तियों तथा सामाजिक संगठनों की तुलना में तीव्र गति से होता है। 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 131, किसी व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित, नियंत्रित तथा निर्देशित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति से, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र नहीं है। तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तकनीकी का विकास, यह प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रसार शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, नीतियों के निर्माण में तथा इन्हें संचालित करने में। क्वेश्चन नंबर 134, एक व्यक्ति का व्यवहारात्मक अवयव है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, समझ तथा अनुवाद, मूल्य तथा अभिव्यक्तियाँ और मानदंड तथा कौशल, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, विश्वविद्यालय प्रसार के पिता हैं। 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स स्टुअर्ट। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है। 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिंदु ग्राफ, यह ग्राफ का प्रकार नहीं है। रेखा ग्राफ, क्षेत्र ग्राफ, पाई ग्राफ, ये सभी ग्राफ के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 अक्टूबर 1978 को। क्वेश्चन नंबर 138, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एक अंग था। 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का यह एक अंग था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्वेश्चन नंबर 139, प्रौढ़ शिक्षा समिति गठित की गई थी। तो 139 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 140, प्रसार शिक्षा जोड़ता है। तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रौढ़ शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नांकित में से कौन सी प्रसार शिक्षा की सही परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जो एक सतत और प्रत्यकारी शिक्षा प्रणाली का अनुगमन करती है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नांकित में से कौन सी प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नवाचार तथा संस्थागत, यह प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है। बाकी गैर संस्थागत, क्रियात्मक और सहयोग पर आधारित, ये सभी प्रसार शिक्षा की विशेषताएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 143, प्रसार करके सीखने तथा देखकर विश्वास करने का दर्शन निम्न में से किसके द्वारा
दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डी एंसमिंगर ने। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नांकित में से कौन सा प्रचार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक समानताओं का सिद्धांत, यह प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नांकित में से कौन सी औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पद क्रम संरचित। क्वेश्चन नंबर 146, व्यवहार से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति क्या जानता है, ज्ञान क्या कर सकता है, दक्षता मानसिक तथा शारीरिक, और वह क्या सोचता है, अभिवृत्तियाँ तथा वास्तव में वह क्या करता है, क्रिया या कार्य, यह कथन किसने दिया है, तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जेपी लेगन। क्वेश्चन नंबर 147, प्रजातंत्र में व्यक्ति ही सुप्रीम महान है, यह कथन दिया है, 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिल्ड्रेड हॉर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 148 आ जाएगा, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है, 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सीखना यानी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 149, थार्नडाइक के अधिगम के नियम के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही नहीं है, 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रयास तथा त्रुटि का नियम। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रसार शिक्षा के संबंध में सही नहीं है, 150 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रसार कार्यक्रम में लोगों की स्वैच्छिक सहभागिता नहीं होनी चाहिए, यह कथन इसमें सही नहीं है। ग्रामीण लोगों में नृत्य का गुण विकसित होता है यदि वे प्रसार कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रसार कार्यक्रम सरकारी सहायता से लोगों का कार्यक्रम होना चाहिए, ये भी सही है। और प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे और टोटल हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन हो चुके हैं 150, और इसका अभी सेकेंड पेपर है जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी 150 क्वेश्चन है, और उसमें मैं सोच रही हूँ कि 75 क्वेश्चन की दो वीडियो बना देते हैं, तो उसमें आपके 150 क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो ये हमारे दोनों पेपर इसमें कवर हो जाएंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन वाले जो कि 2021 में हुए थे, और उसके बाद हम फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं, और कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।